डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा शॉक लगा है इनको। अब कैसे हैं वो? कुछ बेहतर है, मगर हार्ट की कंडीशन देखने के लिए एंजियोग्राफी करना पड़ेगी। कोई सीरियस बात तो नहीं? अभी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई वॉल्व बंद हुआ तो एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो? वो उसी वक्त देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं साहिबा, आप परेशान मत हो, आप रिलैक्स रहें, फिकर की कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या मैं मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन ज्यादा देर मत रुकिए, इजाजत चाहूंगा। अगर बाबा को कुछ हुआ तो अपना सामान उठाकर निकल जाना अली कमाल, तो आकर ना वो सही रहे। अम्मी मैं चुप, मैंने कहा ना खामोश रहो। अम्मी चुप हो जाओ। अम्मी बेगम, मैं यही हूँ बोहरान साहब। मामूली सी तबीयत खराब हुई है, मगर अब बिल्कुल ठीक हैं आप, डॉक्टर ने बताया है। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज सिर्फ तुम हो नाहिदा बेगम। अल्लाह ने तुम जैसी नेमत दी तो थोड़ा इम्तिहान तो लेगा ना। ये क्या कह रहे हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो बुरहान साहब, मेरी पोतियां तुम्हारे पास अमानत है, मेरी रूह को सुकून रहेगा जब तक तुम जिंदा हो, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा, मैं वादा करती हूँ। बुरहान अंकल कैसे हैं आंटी? उनकी इज्जत के साथ खेला है, ऊपर से ये पूछ रही हो कि कैसे हैं वो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। दूर आ जाओ बेशरम बदतमीज लड़की, तो मैं अपने घर में रखा, साथ बिठा कर खाना खिलाया, ये सलाह दिया तुमने? मुझे माफ कर दे आंटी। ये तुम्हारी हरकत माफ करने के काबिल नहीं है आसिया, तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो, मेरे बेटे पर नजर रखी। चलो चलो अपना सामान उठो और कैसरिया चली जाओ। कैसे जाऊँ मैं? क्या मुँह दिखाऊंगी मैं वहाँ? जा सकती हो तुम वापस, जा सकती हो, ना दोबारा हम तुम्हारी सूरत देखेंगे और ना तुम हमारी, इस तरह ये बात खत्म हो सकती है। कैसे चली जाऊँ? वहाँ जाकर मैं क्या बोलूँगी सबको? हॉस्पिटल से कोई खबर आई? बाबा तो ठीक है ना? तुमसे कुछ पूछा है अली कमाल, उसका जवाब दो। हाँ। अल्लाह तुम्हारी जैसी औलाद किसी को ना दे, तुम्हारी जैसी औलाद की जगह मैं पत्थर पैदा करती काश। Thank you.
तो देखें, खुश आमदीद। शुक्रिया फिरदौस। खुश आमदीद आना साहब। कहन आया है दादी के पास। ये फ्लास्क दादी जान को देकर आओ। मेरी जान, खुश आमदीद। मैं ये आपके लिए लाया हूँ। शुक्रिया। ये तो बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये मेरी पसंद के फूल हैं। फिरदौस रख देगी इसे। फिरदौस, कैन के ये फूल वाज में लगा दो। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत फूल हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आओ, तुम्हें प्यार करूँगी। क्या तुम मुझे किस दोगे? जी जरूर दादी जान। दादी जान, तुमने मुझे दादी जान कहा? चलो अब तुम मुझे किस दो। यहाँ मेरी गोद में आओ, थोड़ा तुम्हें प्यार कर लूंगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे। ओनर के पास से भी ऐसी खुशबू आती थी जब वो तुम्हारे जितना था। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूर हो जाते हैं। क्या मैं आपके पास रुक जाऊं दादी जान? मम्मा क्या रुक जाऊं मैं? जरूर बेटा मेरी जान। फिरदौस। जी ओनर साहब। बहुत भूख लग रही है, नाश्ता तैयार है? तैयार है ओनर साहब, चले आए। चलो बेटा आ जाओ। बहुत खूबसूरत घर है करीम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है करीम। तुम खुश रहोगे तो मैं भी रहूँगी। आज शाम सिविल साहिबा के पास चलें क्या? आज शाम? हाँ प्लीज। बेनो करीम प्लीज, हमारी बात हुई थी ना, उनका भी तो हक है कि वो ये खुशी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा ठीक है, फोन करके बता दो, हम शाम में आ रहे हैं। ओके ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं, हमें घर पसंद आ गया है और हम यहाँ बहुत जल्द शिफ्ट होना चाहते हैं। ठीक है करीम साहब, मैं आपको जल्द कॉल करूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई बात नहीं करीम साहब,